हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना प्यारा ये मेकअप लुक है ना, ये लुक जो है ना आप करवा चौथ के लिए भी देख सकते हो। अगर आप दिवाली के लिए भी कोई मेकअप ट्यूटोरियल सर्च कर रहे हो जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, मतलब कि एकदम से फ्री हो जाना चाहते हो लुक करके, आपको अपने हेयर को मैनेज नहीं करना है, आपको अपनी साड़ी को मैनेज नहीं करना है और मिनिमल मेकअप रखना है बट एलिगेंट एंड क्लासी रखना, तो ये लुक आपके लिए डेफिनेटली है। तो मैंने सोचा था इसे करवा चौथ के टाइम पर रिलीज़ करेंगे ताकि आप इसे दिवाली एंड करवा चौथ बोथ जब भी आप चाहो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ भी ऑर्डर किए हैं अमेज़न से, कैसे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैसी बन बनाया था उसके ऊपर ये लगा लिया, तो ये लुक के साथ, ये पूरी एक्सेसरीज़ के साथ, ये साड़ी के साथ सारी पूरी लुक, चलो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम जस्ट लविंग दिस लुक, लविंग दिस लुक। आई मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो कैसे करना है देखो, सबसे पहले ना मैंने अपने स्किन को प्रेपिंग करने में बहुत केयर किया है, ठीक है। तो अभी दीज डेज ना यू गाइज़ आर आस्किंग मी कि आपकी स्किन कैसे ठीक हो गई, आपकी स्किन कैसे ठीक हो गई। तो लिटरली आई एम ना डूइंग गुड स्किन केयर दीज डेज, एंड ऑल्सो जब भी मैं मेकअप करती हूँ यू गाइज़ नो कि मैं अपने स्किन प्रेपिंग पे बहुत ध्यान देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना जस्ट हब का यस एक्चुअली में बहुत अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे है, ये मैंने अप्लाई किया है प्रेप, मतलब पहले ही अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ये ग्लाइकोलिक एसिड वाला ना रेंज अभी ट्राई कर रही हूँ लॉरियल का, ये नाइट क्रीम के साथ आता है, इसमें क्लेंजर भी है, इसमें सीरम भी है। तो मैंने यहाँ पे डे क्रीम लगाया क्योंकि एक्चुअली आई वाज शूटिंग दिस वीडियो इन द डे टाइम, सो अगर नाइट टाइम पे है तो आप सोने के टाइम पे इसको क्लेंजर लगा सकते हो। बेसिकली मेकअप करने के पहले भी स्किन को ध्यान देना है। तो देखो इतने के बाद मैंने एल्यूमिनेटर भी लगाया NYX का। क्यों लगाया है, क्योंकि देखो अगर आप एल्यूमिनेटर नहीं लगाओगे ना तो विंटर है, स्किन थोड़ी सी ना ड्राई हो जाएगी, फिर वो डल सी दिखने लगेगी कुछ देर बाद, इसलिए मच नीडेड है। तो इसमें थोड़ा सा प्राइमर मिला लिया मैंने, और ये प्लम ब्यूटी का जो ब्रांड है उसका मिनी वर्जन मैंने लिया था, बहुत अच्छा वाला प्राइमर है। मैंने यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट ट्राई किया है विच इज़ फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स, और ये ना 30 नंबर है, क्रीजलेस कंसीलर नाम से था, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब जो इनका प्रीवियस वाला वर्जन है ना कंसीलर का, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये भी एक डिसेंट है, अच्छा है, इसकी कवरेज भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो इट्स अ नाइस वन। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया पहले, और आप देख सकते हो स्किन प्रेपिंग करने की वजह से ब्लेंडिंग बहुत आसान हो रही है। देखो विंटर में ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो प्रोडक्ट्स पैची हो जाते हैं, ब्लेंड नहीं होता है, इसलिए इतना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है इतना करने के बाद भी आपकी स्किन ड्राई हो गई ना, तो ब्लेंड करने के पहले एक बार और सेटिंग स्प्रे का जो है वो स्प्रे ले लेना। मैंने यहाँ पे ये फेसेस कनाडा का फाउंडेशन लिया, ये ना एक्चुअली में मेबलिन फिटमी के जैसा है एकदम एग्जैक्टली, और शेड ना ये 200 नंबर है, मुझे बहुत अच्छा मैच कर गया, मतलब बहुत अच्छा मैच कर गया। और मैं ब्लेंड कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में था कि यार कितना आसानी से मैं इसके साथ काम कर ले रही हूँ, एग्जैक्टली जो मेबलिन फाउंडेशन है ना बिल्कुल उसी के जैसा है डिट्टो। तो कलर मैच करने की वजह से मुझे बहुत अच्छा सा अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा ना बेस को इमीडिएटली सेट नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ना इसको छोड़ा, टिल देन मैंने अपने ब्राउज करना बेटर समझा। ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो प्रोडक्ट है, मैं बहुत टाइम से लेने का सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी दिवाली है, वैसे भी सब जगह सेल चल रही है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी पिगमेंटेड है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना एक्चुअली आपको चाहिए होता उतना ही है। और बैक साइड में स्पूलिया तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि मतलब वन प्रोडक्ट आपने लिया एंड यू आर गुड टू गो। तो अभी खुद मुझे दिवाली मेकअप करना है, तो मैं सोच रही थी कि ये वाला जो लुक है ना मैं इसको दिवाली मेकअप तौर पे ही अपने करूँगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी मेरे काफ़ी अच्छे हो गए थे, सेट हो गए थे। एंड मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है मेबलिन फिटमी कॉम्पैक्ट, यू गाइज नो दिस, ये बेज कॉम्पैक्ट है, मेरा फेस इससे काफ़ी अच्छा सेट हो जाता है, लाइटली सेट किया बिल्कुल मैंने। नाउ ये फेसेस कनाडा का ग्लेज शेड है 02, इसमें ना पिंकिश काइंड ऑफ, थोड़ा सा पिंकिश गोल्डन काइंड ऑफ ब्लश है, ब्लश काइंड ऑफ हाईलाइटर है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कई बार होता है ना ब्लश लगाते हैं फिर हाईलाइटर लगाते हैं तो वो दब जाता है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। बट आई वांट लिटिल बिट ऑफ पिंकिश टिंट, तो मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का नंबर 2 लिया हुआ है ब्लश में। आई लव दिस ब्लश, मतलब पूरा मैट है बट लव्ड इट लव्ड इट लव्ड इट, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन कि ये कितना अच्छा था, बिल्कुल जैसे शुगर वाला ब्रांड का मिनी वर्जन है ना वैसा ही है। अगेन ये है वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर सनसेट स्ट्रिप प्लीज़ ऐसे करके कुछ शेड है, बहुत अच्छा बटरी है बिल्कुल, बहुत अच्छा ब्लेंड हुआ, कमाल की ब्लेंडिंग दी है इसने मुझे, मतलब इतना अच्छा इफेक्ट ऐड ऑन किया ना मेरे फेस पे कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल फेस ना चिजल्ड लग रहा था। मेरा जो स्किन टोन है उस पर कूल टोन ब्रॉन्जिंग वाला शेड अच्छा लगता है, तो अगर मैं वॉर्म कर लूँ ना तो एकदम से मेरा फेस ना ब्लैकिश हो जाता, तो इसलिए मैंने ऐसा किया।
नाउ ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है एल्योर शेड में, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ से ये वाला शेड पिक किया। मैंने सोचा ना मॉफ करते हैं, क्योंकि मेरा जो जूड़ा वाला मैंने जो फ्लावर मंगाया था वो पिंक था, तो मैंने कहा चलो पिंक को वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे एक शेड लिया, फ्लफ़ी सा ब्रश लिया ट्रांजिशन के लिए, और मैंने उसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया। फिर मैंने एक स्मॉलर ब्रश लिया उससे, और मैंने उससे डीपर शेड लिया, और मैंने सेम प्लेस पे ही थोड़ा सा नीचे करके अप्लाई किया, सेम ट्रांजिशन पे ही। तो इससे एक क्रीजिंग आ गई थी हल्की सी, बहुत ही क्विक आई मेकअप, मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट ये वाला जो शिमर देख रहे हो, ये थोड़ा सा मॉविश, पिंकिश और सिल्वरिश, तीन टोन था इसमें, तो मैंने इसको लेके पूरे आईलेट पे अप्लाई किया, आउटर वी को छोड़ दिया बिल्कुल से। एंड थोड़ी देर बाद ना मुझे लग रहा था कि वो वाला टोन नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया ना, एक सिल्वर काइंड ऑफ था, सिर्फ उसको सेंटर ऑफ द आईलेट पे टैप कर दिया, तो बहुत ही अच्छा वाला आई मेकअप निकल गया है। मैंने ना बहुत टाइम पहले एक आई मेकअप का क्लासेस लिया था, ठीक है, ऑनलाइन, तो उसमें ये आई मेकअप सिखाया था, और वो कहते थे कि मतलब ये कर लोगे ना तो आपका लगेगा प्रोफेशनल मेकअप वाला चीज़। फिर काजल वो लोग स्किप कराते हैं, बट हमें तो मुझे काजल पसंद है, और मुझे लगता है इंडियन स्किन पे, इंडियन ब्यूटीज़ पे, इंडियन आईज़ पे काजल बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बहुत हल्का लगाया, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं दिखे, बस हल्का हल्का लगाया। आप चाहो तो थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके स्मच कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है, मैंने उसी काजल को थोड़ा सा स्मच कर दिया ना। ये बायोटिक का आईलाइनर है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इसको मैंने सिर्फ एक सिंपल सी आईलाइनर लगाई है, क्यों लगाई मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। चाहो तो ना आप यहाँ पे स्मोकी आईलाइनर करोगे तो ज़्यादा नेचुरल वाला इफेक्ट आएगा, बट क्योंकि आगे बताती हूँ, ये हिबा कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक है, परफेक्ट रेड नाम है इसका, एक्चुअली में एक परफेक्ट रेड कलर है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरे साड़ी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। नाउ ये लैशेबल लैशेज बाई नताशा है, शायद याद नहीं आ रहा, इन्होंने मुझे पीआर किया था, मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा इनका प्रोडक्ट। तो क्योंकि इनका मैग्नेटिक आईलाइनर मुझे यूज़ करना था, इसलिए मैंने पहले आईलाइनर अप्लाई किया, एंड जब से इनका प्रोडक्ट मुझे मिला है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे आईलैशेस लगाने में ज़रा भी आलस नहीं आता। नौ यहाँ पे एक रेड बिंदी लगाई है, ये साइज़ की बिंदी बहुत अच्छी लगती है मेरे ऊपर। फिर मैंने ना हेयर स्टाइल कर लिया था कुछ इस तरह से, सेंटर पार्ट करके मैसी बन, एंड साड़ी को तो अब फिक्स कर रही हूँ। ज्वेलरी जो है ना, ये मैंने एक्चुअली लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन मैं ना आप लोगों को कुछ लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अमेज़न से भी आप इस तरह की ज्वेलरी जो है वो परचेस कर सकते हो। एंड जो ये जूड़ा बन है वो कैसा है, बहुत अच्छा है। इसका एक सोच रही थी सेपरेट शॉर्ट्स आप लोगों के साथ करने का, कि हाउ टू यूज़ इट, कैसे करना है, क्योंकि क्विकली अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको आगे दिखाऊंगी, बट ये ज़रूर बताना ये लुक आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैंने ये लुक किया ना, मैंने ये सोच लिया कि बस अब ये लुक मुझे अपने दिवाली पे करना है, ये होने वाला है मेरा दिवाली मेकअप लुक। आई एम लविंग इट, लविंग इट, एंड यस, अगर आप चाहो तो करवा चौथ पे भी कर सकते हो। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, बहुत खुश हूँ कि इंडियन फेस्टिवल फाइनली आ गया, आई एम लविंग माई लुक। सो यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।